Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see current feelings of your person. यहाँ पे दो piles हैं, वो picture मैं डाल दूँगी, उसको आप meditate कर लीजिए, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप select कर लीजिएगा, नहीं तो आप पूरा video watch कर सकते हैं. Thank you so much. Hi, welcome back. Pile number one, जिन्होंने भी ये photography choose किया था, ये dice. तो ये है पाइल नंबर वन. ये इंसान आपकी फोटोज देखते रहते हैं. दिस पर्सन हैज़ योर पिक्चर्स, जिसके बारे में भी आप नो कांटेक्ट में हैं, वो आपके पिक्चर्स देखते रहते हैं, उसको सराहाते रहते हैं, उस पर यू नो किस करते होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए. दिस पर्सन लव्स यू अलॉट. देखिए मेडिटेटिव मोड पर है अभी. अगर आपका दोनों का ही अवेकनिंग चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये मेडिटेशन स्टार्ट इसने कर दिया है, या फिर इसकी अवेकनिंग चल रही है. यहाँ पे गौतम बुद्ध हैं, तो वो काफ़ी यू नो बहुत बड़े घर से आते थे, बट स्टिल ही चोजन द स्पिरिचुअल पाथ. तो कहीं ना कहीं ये बंदा भी स्पिरिचुअल पाथ चूज करने वाला है. आप तो चूज कर ही चुके हो बिकॉज आप ये रीडिंग देख रहे हो. ओके, लास्ट वन, डिवाइन टाइमिंग. टाइमिंग है यहाँ पे इस पे 10 बज रहा है, तो 10 बजे इसका कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है. डिवाइन टाइमिंग पे इसके साथ आपका यूनियन हो जाएगा, इस पर्सन के साथ. लास्ट में हम देखेंगे कि कब तक हो सकता है. तो आपका स्टिकर है बर्ड्स. दिस पर्सन इज वेरी क्विर्की, बहुत बोलता है, बातें करता होगा बहुत ज़्यादा. एंड अभी नो कॉन्टैक्ट है, बट दिस पर्सन वॉन्ट टू स्पीक टू यू, क्योंकि बर्ड्स हमेशा बातूनी होते हैं, वो बहुत बोलते हैं, राइट. तो इसको आपसे बात करनी है. तो टेंशन हो सकता है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया होगा इससे बात करना, या फिर इसने कर दिया होगा, बट इसको आपसे बात करनी है. दिस पर्सन वॉन्ट टू स्पीक टू यू. ओके, या अब चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ. लेट्स स्टार्ट विद द टैरो, सॉरी लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. लुक फॉर व्हाट इज हिडन. फर्स्ट कार्ड, हैप्पी अलोन, एडवेंचर, सोलमेट. जैसा दिख रहा है कि इसने काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं, ये एक और कनेक्शन में हो सकता है, टू टाइमिंग कर रहा होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि इसने कुछ हिड किया, आपसे कुछ बातें छुपाई हैं जो आपको अभी पता चली है. पाइल नंबर वन. ओके, सो इसकी फीलिंग्स ये हैं कि आप इससे बात करें, इससे डिस्कस करें वो सारी चीज़ें, ये करना चाहते होंगे आपसे. तो वंस यू डिस्कस दैट, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. यहाँ पे हिडन है चीज़ें, यहाँ पे क्लियर बातें नहीं हुई हैं अभी भी. आपने पूछा होगा, इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. हैप्पी अलोन, ये इंसान अकेले खुश है या आप बहुत अकेले खुश हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आप हैप्पी हो, खुश हो अकेले. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अब शायद कोई इतना टेंशन नहीं होता. इसको ये वाले फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, हिबिस्कस फ्लावर्स. ऐसा हो सकता है इसके घर में इसका प्लांट हो सकता है, आपके हो सकता है. एडवेंचर, आप एडवेंचर पे जा रहे हो, ये देख रहा है, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करता है, मुझे ऐसा दिख रहा है. या आपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, या फिर यू नो कहीं आप बंजी जंपिंग करने गए हो, स्काई डाइविंग करने गए हो, तो वो ये चीज़ देख रहे हैं, आपको पूरा चेक ऑन करते हैं ये पाइल नंबर वन. ओके, तो आ गया आपका लास्ट है सोलमेट. सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज योर सोलमेट समवॉट. ओके, सो इसको ऐसी सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है अभी. दिस पर्सन फील्स अ कनेक्शन विद यू, एक लविंग कनेक्शन इसको आपके लिए फील हो रहा है. बाकी टैरो से देखते हैं कि क्या हिड कर रहा है, इसने क्या छुपाया है. लेट्स सी, देखते हैं. फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकेंड वन इज द लवर्स, थर्ड वन इज फोर ऑफ पेंटिकल, लास्ट वन इज नाइट ऑफ कप्स. ओके, तो कहीं ना कहीं ये हिड कर रहा है कि इसके पास दो ऑप्शंस थे, इसने एक दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया. ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन मिले हो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, एंड आप दोनों को लव हो गया हो. ओके, बट उसी बीचों बीच इसके ऑफिस में या फिर इसके कहीं पे भी somebody else came into the picture, एंड इसने वहाँ पे उसको चूज कर लिया. इसको लगा कि आप बहुत मनी माइंडेड हो, ऐसा बोला हो सकता है इसने आपको. नेम कॉलिंग किया हो सकता है फोर ऑफ पेंटिकल के साथ, कि आप बहुत अपने बारे में सोचते हो सिर्फ, समथिंग लाइक दैट. ऐसी चीज़ें आपको हर्ट करने के लिए बोली होगी, तो कहीं ना कहीं आप मनी माइंडेड हो, ऑल दीज थिंग्स ये बोला हो सकता है. और फिर इन्होंने किसी और को चूज़ किया हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. और आपको पता चला होगा तो आप इसने हिड किया हो सकता है कि ये किसी कनेक्शन में ऑलरेडी था, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी जो करंट फीलिंग्स की बात करें, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू. ओके,
क्योंकि यहाँ पे हमारा पेज ऑफ सॉर्ड्स है और क्लाउड्स हैं यहाँ पे, तो क्लाउडेड इसकी सोच है, इसको थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है अभी, आपको स्टॉक करता ही रहता है। अगर आप लाइव स्ट्रीम्स आते हैं, अगर आप वीडियोस बनाते हैं, अगर आप रील्स बनाते हैं, या फिर आपका पब्लिक है प्लेटफॉर्म, तो दिस पर्सन इज़ ऑलवेज स्टॉकिंग यू। इसके पास एक वाइट कलर का जूता हो सकता है, शूज़ हो सकता है, इसको कलर्ड कपड़े पहनने के बाद शौक होगा, स्मार्ट होगा ये, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल लड़की हो सकती है ये, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे लैक ऑफ इमोशनल इंटीमेसी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का मीनिंग ही वही होता है। तो इंटीमेसी ज़रूरी नहीं कि वैसा इंटीमेसी, इंटीमेसी एक इमोशनल इंटीमेसी जो आप इससे मांग रहे थे वो आपको दे नहीं पाया कहीं ना कहीं, ओके। एंड आप सोचते रहे कि ये सब क्या हो गया है, वो इंटीमेसी यहाँ से ख़त्म हो चुका है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है फोर ऑफ पेंटिकल के साथ, और आप हो बहुत ज़्यादा इमोशनल, ठीक है, तो ये क्लैश करता है, तो ये इस डायमेंशन में चलता नहीं है रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो कहीं ना कहीं, विद द फोर ऑफ पेंटिकल कंट्रोलिंग हो आप, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट आ गया है। एनी विच वेज विद द लवर्स दिस पर्सन फील्स दैट यू आर द वन, यू आर द सोलमेट, गलत इंसान को इन्होंने चूज़ कर दिया, ओके। उसने भी कुछ हिडन किया हो सकता है इस इंसान के साथ, हिड किया हो सकता है कोई, झूठी बातें बोली हुई हो सकती हैं इस इंसान से। ये बंदा बैलेंस लाना चाहता है इस रिलेशनशिप में, दिस पर्सन वांटेड टू ब्रिंग लॉट ऑफ लव इनटू द रिलेशनशिप। आप देख सकते हो दोनों साथ में खड़े हुए हैं, तो दिस पर्सन वांटेड टू होल्ड योर हैंड, ओके। देखो ये जो सपोर्ट आपको पहले नहीं कर रहा था, वही सपोर्ट आपको अब दे सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं। जो भी ऑप्शन है दिस पर्सन विल ड्रॉप दैट, मुझे ऐसा दिख रहा है, ओके। आई डोंट थिंक सो कि ये वहाँ पर रुकेगा, बिकॉज दिस पर्सन हैप्पीनेस एंड एडवेंचर एंड सोलमेट एवरीथिंग यू आर। देखिए फोर ऑफ पेंटिकल के साथ इसको लगता था कि आप पहले बहुत ज़्यादा क्लिंगी लवर हैं, फोर ऑफ पेंटिकल का मीनिंग ही क्लिंगी लवर होता है, तो बहुत ज़्यादा आप चिपकते हो, या फिर इसके साथ ज़बरदस्ती टाइप का मीन्स, मेरे को अभी बात करनी है, मेरे को अभी मैसेजेस पे वो करना है, टॉक करना है, ऑल दिस थिंग्स। तो आप क्लिंगी थे, बट इसको ऐसा लग रहा है कि वो क्लिंगीनेस नहीं था, वो आपका लव था, वो ट्रू लव था। मुझे लगता है कि आपके पास अब दो ऑप्शंस आ गए हैं, एक जेमिनाई हो सकता है और एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। लीब्रा जेमिनाई एक्वेरियस इस रीडिंग पे छाया हुआ है एंड पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो भी छाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास दो ऑप्शंस आ गए हैं, तो अब इसको जेलसी फील होता है, इसको बहुत बुरा लगता है। इफ़ यू आर गोइंग आउट विद एडवेंचर्स ऑन योर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, कहीं घूम फिर रहे हो, इसको अभी थोड़ा सा जेलस फील होता है कि आप इसको तो तवज्जो नहीं दे रहे ज़्यादा। ये बंदा बहुत इनसिक्योर है, अगर आपने नया लवर बना लिया ना, तो ये बहुत इनसिक्योर, इसको इनसिक्योरिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड ऑन टू द पास्ट, ही इज होल्डिंग ऑन टू द पास्ट एंड थिंकिंग अबाउट कि अब करना क्या है, वॉट आई हैव टू डू, दिस पर्सन वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग, ओके। बट शायद आप इसमें अब इंटरेस्टेड नहीं हो। नाइट ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं इसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा लव आ गया है, दिस पर्सन इज फीलिंग टोटली इन लव विद यू, मैडली क्रेजीली इन लव विद यू, ओके। दिस पर्सन वॉन्ट टू रोमांस, यू नो दे वॉन्ट टू रोमांस यू, दे वॉन्टेड टू यू नो अट्रैक्ट यू सम और दी अदर, किसी और तरीके से गिफ्ट्स दे के, आपको कहीं घुमाने ले जाके, या फिर एनी हाउ दिस पर्सन वॉन्ट यू। अब इसको एहसास हो गया कि दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो कहीं ना कहीं ये फ्लर्ट करना चाहता है आपके साथ, दिस पर्सन वॉन्ट टू डू फ्लर्टेशन विद यू। इस बंदे की ना एक्सपेक्टेशन इस बार जब ये आएगा तो बहुत हाई हो सकती हैं, तो आप उसको नॉर्मली रखिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करिए कि भाई इसका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, वो आप मीट नहीं कर पा रहे, इसकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे या फिर आपकी हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। एक प्रैक्टिकल तरीके से इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करिए, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, इसको नॉर्मली लेके चलिए। आपके ओरेकल की तरफ चले तो देखते हैं कि क्या आता है। हाउ कैन यू फीड अदर्स व्हेन योर टेबल ओन टेबल इज एम्प्टी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद में भी यू आर नॉट वेरी हैप्पी, पूरी तरह आप वो खो नहीं पाए हो कहीं ना कहीं, तो आप उसको फीड कैसे कर सकते हो जब आपका खुद का एम्प्टी है। तो अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन, बाकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जितने भी होते हैं वो सारे चीज़ें करना ही ज़रूरी है, ठीक है। ये मैक्सिमस है, तो मैक्सिमम आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाला है यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है,
ठीक है, बट वहाँ से वो एफर्ट्स वापस नहीं आ रहा था, तो आपको थोड़ा सा थम जाना चाहिए। दिस पर्सन विल टेक एक्शन, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स लास्ट कार्ड है। ओके, एनवियस ग्लटनी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा जेलस है आप दोनों से, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे एनवियस ग्लटनी है ना, दिस बॉय इज़ लाइक वॉचिंग। हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड हो इनका, जिसने आग लगाई हो, लड़ाई करवाई हो, मैनिपुलेट किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, कोई दोस्त तो यहाँ पे कोई, देखिए थर्ड पार्टी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एनवियस ग्लटन है, ग्लटनी है ना, तो समबड़ी, एक विमिन है ये शायद, इसकी भूरी आंखें हो सकती है इस लेडी की, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इसका हल्का सा भूरा सा आंखें हो, ठीक है। और ये आपके थर्ड पार्टी हो सकता है, ये बीच में आ गया हो, ठीक है। दिस पर्सन, जो जो भी है, ये लड़की लड़का बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, तो ये बीच में आ गए, तो इन्होंने वेल्थ देख के इनकी तरफ चले गए होंगे, या फिर एक सिक्योरिटी देख के इनकी तरफ गए होंगे, जो भी है। अब ये इंसान वापस आएंगे, क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो ना, कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आप अपना मैनिफेस्टेशन वर्क करते रहिए कंटिन्यूअसली, जितना जितना आप करते जाएंगे उतना उतना ये इंसान आपके करीब आते जाएंगे। आपको अपने प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस करने हैं कि आप इस इंसान के साथ हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू ब्रिंग यू बोथ टुगेदर। ओके, उसके अलावा है कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियस माइंड में बोथ में ये इंसान आपके 24/7 चलते होंगे, इस इंसान के भी आप चलते हो, तो अब इसको लगता है कि आप डिजर्विंग है, यू आर द वन हु इज़ डिजर्विंग, दैट पर्सन द थर्ड पार्टी इज़ नॉट डिजर्विंग। एनी एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग शुड नॉट कम इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। के तो यहाँ पे डिजर्विंग है, तो इसको लगता है कि आप डिजर्विंग हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी तरफ आएंगे, दिस पर्सन विल कम। इनका बर्थडे 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, नाइट ऑफ कप्स के साथ 1 हो सकता है, 111 666 नंबर आपको हर गाड़ियों में दिख सकते हैं। सिंक्रोनिसिटीज आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, 111 444 भी दिख सकता है, 222 भी दिख सकता है। ओके, अब चलते हैं इनके पर्सनल मैसेजेस की तरफ। तो आपका पहला कार्ड है आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई माई एक्शंस, तो इसको पता है इसने गलत किया आपके साथ, इसने जो एक्शन आपकी तरफ किया है, जो भी आपको बोला है, जो भी आपको नेम कॉलिंग करी हो सकती है, कुछ भी बोला हो मॉनिटरी वाइज के लिए, तो ये हॉन्टेड है अपने एक्शंस के लिए, इसको हॉन्ट करती हैं वो चीज़ें, उसको बहुत परेशान करती हैं। ओके, यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, आप ही हो जो इसको समझ सकते हो, वो इंसान नहीं समझ सकता, थर्ड पार्टी या फिर कोई और एक्स वाई जी उसके फ्रेंड्स नहीं समझ सकते उसको। आई लाइक यू, दिस पर्सन लाइक यू, आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपको लाइक करते हैं, ऐसा नहीं है कि दिस पर्सन हैज़ फॉरगॉटन यू और समथिंग लाइक दैट, दे लाइक यू। उसके अलावा योर आइज़ आर नशीला, तो आपकी आँखें बहुत नशीली हो सकती है, बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, सुंदर हो सकती हैं, तो इसको बहुत पसंद है आपकी आँखें। वीडियो कॉल, तो वीडियो कॉल ये कर सकता है आपको, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो, बाकी ऐप्स चलाते हो, तो कर सकता है आपसे बात कर, वो उसने पहले भी बोला होगा तो, बट शायद आपने किया नहीं होगा तो, बट अब वो करना चाहता है वीडियो कॉल आपको। यू लाइक अ सेलिब्रिटी स्टार, तो ये बंदा सेलिब्रिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये, या फिर आप सेलिब्रिटी हो सकते हो, आप बहुत फेमस हो सकते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए आप सेलिब्रिटी हो शायद, इस लड़के या लड़की जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, और ये आपका सेलिब्रिटी क्रश हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ओनली फॉर फ्यू पीपल। ओके, स्पाइंग ऑन यू, सी आपका स्पाइंग है, ये स्पाई करता है, आपको जानना चाहता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई और तो नहीं आ गया, इस आर यू डेटिंग समबडी एल्स और समथिंग लाइक दैट, लेट्स गेट मैरिड, सो दिस पर्सन वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। शायद आपने इससे मैरिज के लिए बोला होगा, तो कहीं ना कहीं इसने कट ऑफ कर, लुक यंगर देन यू। ओके, तो आप दोनों में से कोई एक छोटा लगता है फेस वाइज, एज वाइज। ओके, तो वो आप देख लीजिएगा, तो कब तक ये कांटेक्ट करेंगे आपको, तो विद इन अ फ्यू मंथ्स। ओके, तो कुछ मंथ्स में ये आपको फॉलो, ये आपको फॉलो बोल रही हूँ, तो फॉलो कर लेंगे, आपको फॉलो बैक कर लेंगे, या फिर आपको फ्यू मंथ्स में कांटेक्ट मैसेज, कॉल या कुछ भी। ओके, इनका आ सकता है यहाँ पे, वो मुझे दिख रहा है, तो पॉजिटिव रहिए, तो पॉजिटिव है ये रीडिंग। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये स्टेथोस्कोप को चूज़ किया था या फिर मैग्नेट को चूज़ किया था, तो मैग्नेट की तरह आप दोनों एक दूसरे से चिपकते होंगे पहले
फिर मैग्नेट एक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं। अदरवाइज़ ये एक डॉक्टर हो सकता है, मेडिकल फील्ड में हो सकता है। इज़ वेरी वेरी वरिड एंड स्ट्रेस्ड अबाउट यू, इसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, दिस पर्सन इज़ क्राइंग ओवर यू, नो आपके बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ होगा, दिस पर्सन वुड बी क्राइंग, ओके, स्ट्रेस हो रहा होगा, इसको टेंशन हो रही होगी, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। उसके अलावा है मिरेकल्स अहेड, तो अगर चीज़ें चेंज नहीं हो पा रही है तो इट विल चेंज डेफिनेटली, मिरेकल है यहाँ पे, तो मिरेकल होएगा यहाँ पे और चेंजेस आएगा यहाँ पे रिलेशनशिप में, आपको वो दिखेगा यहाँ पे, ओके। एक्सपेक्ट अ कॉल, तो ही विल कॉल यू, डेफिनेटली ही इज़ गोना कॉल यू, दिस पर्सन विल टेक्स्ट यू, कॉल यू, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट इज न्यू बिगिनिंग, तो न्यू बिगिनिंग होने वाला है यहाँ पे, हो सकता है कि न्यू ईयर्स की ईव पे, या फिर हो सकता है कि दिवाली के टाइम पे, जहाँ पे बहुत फायर क्रैकर्स होते हैं, कुछ भी सेलिब्रेशन के वक्त, इट इज़ पॉसिबल कि दैट यू कैन स्टार्ट योर न्यू बिगिनिंग विद दिस पर्सन, ओके। तो चलते हैं आपके टैरो के साथ, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन, ओके। द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो वेरी नाइस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट इज टेन ऑफ कप्स एंड लास्ट वन इज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए, एक होती है बोल के लड़ाई, एक होती है बिना बोल के लड़ाई, कुछ ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आया हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड हैविंग टू किड्स, कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर 10% पीपल, नॉट फॉर एवरी वन, दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड विथ समबडी एल्स, नहीं तो ये इंसान के साथ आपका कोई एज सच कोई फाइट नहीं है यहाँ पे, कोई वो जैसे होता है ना कि बोल के फाइट एंड ऑल दैट, बट ये यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, दैट्स इट, यही यहाँ पे वाइब आ रहा है, ओके। यू आर जस्ट नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, आपका ईगो फ्लेयर अप हो चुका होगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है रिश्ता, इट इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन 100%। यहाँ पे एरिस लियो साज हैवी है इस रीडिंग पे, तो कहीं ना कहीं इट इज़ ट्रिगरिंग यू समवॉट, सो आप लोगों का सेपरेशन आ गया होगा सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एनी विच वेज, लेट्स डिस्कस की व्हाट इज द करंट फीलिंग, दिस पर्सन सीज यू एज समबडी हु इज़ वेरी स्मार्ट, समबडी हु इज़ वेरी यू नो एट योर पावर, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड समथिंग लाइक दैट, सब लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं, सब लोग आपसे बात करना चाहते हैं, सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, दे वॉन्ट टू को कोलैबोरेट विथ यू, को क्रिएट विथ यू, समथिंग ऐसा कुछ चल रहा होगा आपके, आप पब्लिक आई में हो सकते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक समबडी हु कैन बी इन द पब्लिक आई ऑल्सो, तो इसको ऐसा दिख रहा है, लग रहा है कि समवेयर और दी अदर यू आर यू नो एक पॉजिटिव ऑरा, एक फायरी ऑरा आपका हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं अभी, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, हैव अ लॉट ऑफ सूटर्स, लॉट ऑफ पीपल आर अप्रोचिंग यू, या फिर आपके पास शादी का रिश्ता आ रहा होगा, वो सब इसको देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा शायद। सी आप अपने पावर पे हो, ठीक है, एंड आपने ओपन कर दिया रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है कि आपने और लोगों को एंटरटेन करना शुरू कर दिया, वो इसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए स्ट्रेस और वरी ले रहा है मुझे लग रहा है। नेक्स्ट इज सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं यू आर मूविंग ऑन, ओके, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, बट मिरेकल होगा और ये वापस आ जाएगा, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल कि दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू, दिस पर्सन वॉन्ट टू यू नो फाइट के बाद एक रिकन्सिलेशन होता है ना, वही दिस पर्सन वॉन्ट टू डू दैट, ओके, दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू, समथिंग लाइक दैट। एनी विच फेस, टेन ऑफ कप्स के साथ दे वॉन्ट टू ऑफर यू अ स्टेबल ऑफ, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल, स्टेबल का मतलब ये अपने फैमिली से आपको मिलवा सकता है, इस ये नेक्स्ट लेवल पे तो ले जाना ही चाहता है इस रिलेशनशिप को, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ, तो आप देख सकते हो, अगर आप देना चाहते हो तो चांस फाइन है, नहीं तो दे वॉन्ट अ लास्टिंग रिलेशनशिप विद यू, मुझे ऐसा दिख रहा है, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो भी फाइटिंग हुई है, जो भी एक ईगो फ्लेयर होके यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, या फिर यू हैव डिलीटेड ऑल द एप्स, आपको इससे बात ही नहीं करनी है, या इसने आपके फिनांसिस के साथ छेड़खानी की हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि भाई
आप अगर लिव इन में रहते फॉरेन कंट्रीज में, तो इसने आपके फाइनेंसेस को छेड़ा हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और टेन ऑफ कप्स के बीचों बीच है, हो सकता है आप साथ रहते हो, ओके, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप बहुत डिफेंसिव हो, आप इसको, यू आर नॉट एंटरटेनिंग दिस पर्सन, मुझे नहीं लगता कि आप इसको एंट्री दोगे, ठीक है, डिफेंसिव हो रही है ना ये बंदी, देख सकते हो आप, सातों वॉन्ड्स उसके आगे खड़े हुए, एंड शी इज़ लाइक नो नो, हटो यहाँ से, रास्ते से हटो, समथिंग लाइक दैट। तो आपने शायद बाउंड्री सेट कर दी है इसके साथ, अब आप इसको एंट्री नहीं दोगे, मुझे नहीं लगता आप इसको एंट्री नहीं देना चाहते शायद, एंड बट ये बंदा फाइट करना चाहता है रोमांस के लिए, दिस पर्सन वांट टू फाइट फॉर दिस रोमांस, ओके, समथिंग लाइक दैट। एनी विच वेज, लेट्स मूव ऑन टू योर, देखिए ये नया इंसान है कोई, मुझे नहीं लगता कि ये ओल्ड इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो, मे बी हो सकता है 10 महीने से आप जानते हो इसको, 7 साल से जानते हो, 7 मंथ से जानते हो, 1 ईयर से जानते हो, 6 मंथ्स, 6 ईयर्स, जो भी है, ठीक है, ये एक नया इंसान है, दिस इज़ अ न्यू पर्सन आई गेस, जिसके साथ आपका, यू हैव स्टार्टेड समथिंग, यू नो, रोमांस और समथिंग लाइक दैट, जो भी है रिवेंज, मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छा रिलेशनशिप है, आई डोंट थिंक सो, सी दिस पर्सन वांट टू टेक अ रिवेंज, इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसको आपने, इसका ईगो फ्लेयर किया है, इसका आपने, इसको आपने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो इसको बर्दाश्त नहीं हुई है शायद, ठीक है। 23 इसका बर्थडे, इस लड़की का, आपका बर्थडे, 10 इसका बर्थडे आपका, 7 इसका बर्थडे आपका, 6 इसका बर्थडे जून में आता होगा, ओके। एरीस, लियो, सैट्स एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे सबसे हैवी है इस रीडिंग पे, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपसे रिवेंज लेना चाहता है अब, क्योंकि आप इसको एंट्री नहीं दे रहे हो, आपने हर जगह से इसको बंद कर दिया है, तो इट इज़ पॉसिबल कि ये किसी टाइप का रिवेंज लेगा। दिस एनर्जी इज़ नॉट वेरी गुड, ओके, समबडी हु इज़ लाइक वेरी वेरी वेंजफुल आपकी तरफ, उसका, उसको आपको किसी भी हालत में, यू नो, या तो पाके रहना है, या फिर आपको कुछ, दिस पर्सन वांट टू शो यू समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, ओके। 26 इसकी एज हो सकती है, प्रोटेक्शन, सेट पर्सनल बाउंड्रीज, आपने इसके साथ बाउंड्रीज डाल दी हैं शायद, आप इसको एंट्री दोगे ही नहीं, मुझे नहीं लगता, ठीक है, बट स्टिल दिस पर्सन विल कम एंड मीट यू, आई थिंक कमिटमेंट, दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, बट आपको शायद अब चाहिए नहीं इसका कमिटमेंट, आई गेस, आई डोंट थिंक सो यू विल एंटरटेन दिस पर्सन, ऐसा दिखता होगा ये, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा दिखता होगा, इसने फोटो भेजी होगी अपनी, या कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहता है आपसे, मुझे नहीं पता किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट, बट सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू बोथ विल साइन टुगेदर, एंड बट इसके जो इंटेंशंस है वो इतने वो नहीं है, यू नो, एक होता है ना कि किसी के साथ एक लविंग रिलेशनशिप में आना, बट जो बातें आपके बीच में हुई इससे वो बदला लेना चाहता है आपसे किसी टाइप का, मुझे नहीं पता क्या बदला, मीन्स शादी के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो दिस पर्सन वांट टू टेक रिवेंज विद यू, आई डोंट नो, सीरियसली मुझे हंसी आ रही है, आई लव यू, ओके, दिस पर्सन लव्स यू, ओके, यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे, सो यू आर समबडी हु टेक्स, यू नो, इसकी सांसें फूलने लगती हैं, इसने आपको बोला होगा कि, आपने बोला, इसको डराया हो सकता है कि मैं आपसे अभी आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए, एंड आपके ऑफिस आ रही हूँ, आपके घर आ रही हूँ, तो इसको, इसका दिल धड़कता होगा बहुत तेज़ से, इसको डर लगता है, ही इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ यू, बेशक वो आपको बुली कर रहा हो, उससे कुछ नहीं होता, स्टिल ही इज़ वेरी, उसको डरपोक है ये, आई एम एडिक्टेड टू यू, ये एडिक्टेड है आपसे, एडिक्शन है इसको आपका, तभी तो वो रिवेंज लेना चाहता है आपसे, ये आपके बिना नहीं रह सकता, दिस पर्सन कैन नेवर स्टे विदाउट यू, दिस इज़ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, पाइल नंबर 1 वॉज फाइन, ये टॉक्सिसिटी है, दिस गाय इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक, कहीं से भी ये एक हेल्दी रिलेशनशिप मुझे कहीं से भी नहीं नज़र आ रही है, बट आप देख लीजिएगा, आपकी मर्जी है, आई एम नोबडी टू से एनीथिंग, ओके, दैट्स ऑल योर कॉल, हील विथ, सी यहाँ पे एब्यूजिव रिलेशनशिप है, ये मीन्स वर्बल अब्यूज है यहाँ पे, हील मी विद योर अब्यूज, सी दिस पर्सन इज लाइक, इसको हीलिंग मिलती है आपके अब्यूज से, आपने इसको अब्यूज़ किया हो सकता है मैसेजेस पे, ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो ये हील होता है आपके अब्यूज से, ये तो फुल टू टॉक्सिक है, आई लव यू सो मच, दिस पर्सन लव्स यू,
बट जो भी है दिस पर्सन लाइक यू लव्स यू जो भी है ठीक है आई एम हेड्स ओवर हील्स फॉर यू सो दिस पर्सन इज मैडली इन लव विद यू प्रिटी दिस पर्सन फील्स दैट यू आर वेरी प्रिटी दिस पर्सन फील्स दैट यू आर वेरी प्रिटी यू आर वेरी हैंडसम बॉय और समथिंग लाइक दैट आई लव योर कंटेंट तो ये कोई इन्फ्लुएंसर आप इन्फ्लुएंसर आपको इसका कंटेंट पसंद है आप इसके लाइव स्ट्रीम पर जाते होंगे या आपके लाइव स्ट्रीम पर आता होगा ऐसा पॉसिबिलिटी है ठीक है कंटेंट है तो कुछ भी हो सकता है इट कैन बी फूड व्लॉगिंग ऑल्सो इट कैन बी व्लॉगिंग ऑल्सो दिस कैन बी पोस्टिंग ऑल्सो कुछ भी पोस्ट आपका फ़ैन हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है या फिर आप इसके फ़ैन हो एनी विच वेज यू आर माई जान ओके दिस पर्सन इसको आपको जान बुला रहा है ओके ठीक है ये कब तक कॉन्टैक्ट कर लेगा दिस मंथ दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू दिस मंथ इसी महीने ये कॉन्टैक्ट करेगा इसको अब कुछ भी करना पड़े ये बंदा टॉक्सिक है गाइस क्लियर कट मैं बता रही हूँ ठीक है आपके घर आ सकता है ये आपसे मिलने नहीं तो आपको रास्ते में पकड़ लेगा ये ओके आपके घर में बेल बजा सकता है ये कुछ भी समथिंग टॉक्सिक करेगा क्योंकि आपसे बदला लेना चाहता है रिवेंज लेना चाहता है दिस बॉय इज़ लाइक गोइंग क्रेजी अबाउट इट इसने अपना ये खो दिया है ठीक है तो आप देख लीजिएगा आपको जैसा सही लगे बाकी कमिटमेंट यहाँ पे है अगर आपको इससे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में कमिटमेंट अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं बाकी इट्स ऑल योर कॉल ओके आई वुड नॉट सजेस्ट दैट बट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं सो दिस वॉज योर रीडिंग आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा अगर हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड यू कैन ईमेल मी डेफिनेटली थैंक यू सो मच आई लव यू ऑल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो चाओ